अगली खबर की बात करते हैं। पाकिस्तान को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ दो टूक शब्दों में कह दिया कि मैं खड़ा हूं और आतंकवाद को खत्म करके हम मानेंगे और आतंकवाद खत्म होगा। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दहाड़ के बाद पाकिस्तान की जो आवाम है वो भारत और प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही है, लेकिन वहां के जो नेता हैं वही अपना पुराना राग अलापते कैसे सुनाई दे रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। करगिल की शौर्य भूमि से प्रधानमंत्री मोदी की ललकार के बाद पाकिस्तान दहशत में है। नेताओं की नींद उड़ी हुई है, आतंकियों के आकार डरने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन वहां की जनता पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रही, भारत की तरक्की की मिसाल देते नहीं थक रही। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मोदी मोदी छाया है, आतंकिस्तान को मोदी की चेतावनी की बात हो रही है। हैरत की बात तो यह है कि वहां की जनता भी जानती है कि पाकिस्तान ने पहले वो गलतियां की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तानी मीडिया कश्मीर को लेकर जो खबरें दिखा रहा है वो सच है ही नहीं। कश्मीर की जब बात होती है कोई भी नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता। आपने लास्ट देखा है कश्मीर में इंडिया कितना जुल्म सतम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। अच्छा। हमारे पॉलिटिक्स इस पे बात ही नहीं करते, वो इस पे बात करते हैं मेरी ये कुर्सी मिल जाए, मेरा मामला ये हो जाए, उस पे पर्चा आ जाए, वो पकड़ा जाए, बस इसी पे लगे। यानी ये जो कंसेप्ट है जुल्म कर रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा हमें रियलिटी की तरफ भी जाना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर इसमें सबसे बड़ी बात है ये मैसेज कन्वे करने के लिए ना एक अदारा जिसे कहते हैं मीडिया ही हमें। अब हम लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कश्मीर जाके देखें। हमने किसको देखना है? मीडिया को देखना है। हमारा मीडिया हमें गलत बताया सही बताया हमें ना चाह के भी इनकी बात माननी पड़े। पाकिस्तान साइड कश्मीर में हमने क्या डेवलपमेंट की? इसका मतलब तो ये है ना कि हमें मीडिया जो वो गलत साइड पे लेके जा रहा है या हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो भी मुस्लिम हमारे भाई है, उनकी तरक्की हो रही है। हाँ बड़ी बात है कि इंसान है, अगर वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं तो इससे हमें बड़ी खुशी वाली बात है। तो फिर ये मीडिया को ये चीज देखनी चाहिए कि हम अपने वो भी लोग हमारे हैं, हम भी हैं, तो फिर हमारे आपस में इस तरह के गलत मैसेज क्यों कन्वे किए जा रहे हैं? भारत की ताकत पड़ोसी देश पाकिस्तान को महसूस होती है, वहाँ के लोग भी जानते हैं कि भारत से मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुल्क में रहते हैं हमें खुदा से उम्मीद है, बाकी हमें खुद भी अपना आप सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने आप ने मामला को अपनी चीजों को देखना चाहिए हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी हम इस हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी इस काबिल नहीं है कि हम किसी से जंग कर सकें। इस टाइम हमें सबकी जरूरत है। अच्छा। क्योंकि हमारे जैसे मामला हमें किसी से खराब नहीं करनी चाहिए हमें, और हम इस सिचुएशन में नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इस सिचुएशन में नहीं है कि हम उनसे जंग करें, जंग का ये मकसद नहीं है, इसमें नुकसान अवाम का ही है। हमें तरक्की करनी चाहिए अपने और मामला में, अपने कानून साजी करनी चाहिए, कानून को देखना चाहिए। मैं कहता हूँ जंग करनी है तो उनके साथ करें जरूर, लेकिन टेक्नोलॉजी में, मतलब हेल्दी एक कंपटीशन बने। अगर देखें कि भाई आज उनसे जंग, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी यूथ है पढ़ी लिखी वो सब मुल्क छोड़ के बाहर जा रही है, उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए ताकि वो याद रहे कि हमारे मुल्क को जो है ऊपर लेके जाए, तरक्की करें। उनके लिए वो इजी होंगे तो हम इजी होंगे। बस अब महंगाई देखे या मुल्की हालात देखे तो आपको पता लगता है कि जेन्युइन मुल्क कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है। लोड शेडिंग इतनी है सर से रात लाइट नहीं आती, महंगाई इतनी है ना बंदा आटा ले सकता है ना खाने, राशन पानी वाली साइड पे तो बंदा आ ही नहीं सकता। प्राइवेट जॉब करते हैं, फ्यूल ही इतना ज्यादा महंगा है कि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। ठीक है। एक तरफ दुनिया में भारत का बढ़ता दबदबा, दूसरी तरफ पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, दोनों ही मुद्दों की चर्चा पाकिस्तान में जमकर हो रही है। मुल्क की तरक्की, मुल्क की खुशहाली, ठीक है, मुल्क की डेवलपमेंट, ठीक है, उस सूरत में होती है जब तक आपकी मुआशी स्टेबिलिटी हो। बिल्कुल। जब आपकी मुआशी स्टेबिलिटी है ही नहीं आपके मुल्क में, तो देन आप क्या करेंगे? आप महाज पे क्या लड़ेंगे? आप बाहर क्या करेंगे? आपकी आप तो सोच ही नहीं सकते कुछ। बात में वजन उस वक्त होता है जब आप दुनिया में आपका आपकी आपका मुकाम अच्छा होता है। ठीक है। जब आपकी कोई मतलब वर्थ होती है, आपकी बात मानी जाती है। एक्जेक्टली। आपकी गुडविल, अगर आप पाकिस्तान में जस्ट पोस्ट आप सफर करते हैं बाहर, ठीक है, आपका पता है आपके ग्रीन पासपोर्ट का क्या हाल है इस वक्त? क्या हाल है? आपको जब वो सिक्योरिटी चेक होता है ना, आपको इस तरह देखते हैं जिस तरह पता नहीं कि यार ये बंदा चोर है या डाकू है, ये पता नहीं क्या है। ग्रीन पासपोर्ट की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रिप्यूट जो है ना वो बिल्कुल, और आप अभी आप देख लें कि आखिरी 5 मुल्कों में नंबरों में आपका तो पासपोर्ट है। पाकिस्तान की जनता जहां भारत की वाहवाही में लगी है, तो वहीं पीएम मोदी की ललकार के बाद इनके नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुम है।
अपना डर छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी की बातों को बयानबाजी करार दे रहे हैं। हालांकि अपनी कमजोर होती स्थिति से बेखबर पाकिस्तानी नेताओं को आईना दिखाया आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने, जिन्होंने दावा किया कि अभी पाकिस्तान के कई और टुकड़े होंगे। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पाकिस्तान को तोड़ देंगे और जम्मू कश्मीर के लोग, सेना, सरकार पाकिस्तान को और ऐसे एंटी नेशनल, एंटी और ह्यूमंस उनको जबरदस्त सबक सिखाएंगे। तमाम वादों और दावों के बीच ये साफ है कि पाकिस्तान का हाल बेहाल है। वहाँ की जनता भी अपने नेताओं से त्रस्त आ चुकी है, लेकिन पुराने ढर्रे पर चल रहे पाकिस्तानी नेता इधर उधर की बात करके जनता को भटकाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीच में ही ममता बनर्जी ने बैठक छोड़ दी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। नीति आयोग की बैठक चल रही थी, ममता बनर्जी भी वहां पहुंची थी। हालांकि नीति आयोग को लेकर वो पहले भी सवाल खड़े करती रही और इससे पहले हाल ही में भी उनकी तरफ से ये कहा गया था कि नीति आयोग को खत्म कर देना चाहिए, योजना आयोग को वापस लाना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी इंडी के फैसले के खिलाफ गई, वो बैठक में जरूर पहुंची लेकिन बड़ी जानकारी मिल रही है कि बैठक उन्होंने बीच में ही छोड़ दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नीति आयोग की बैठक जिसमें 7 राज्यों के मुख्यमंत्री हालांकि नहीं पहुंचे, जो सब गैर बीजेपी शासित राज्य थे। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी जो कि इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन एक बार फिर वो इंडी गठबंधन के फैसले के खिलाफ गई। वो बैठक में जरूर पहुंची लेकिन बड़ी जानकारी ये मिली कि ममता बनर्जी ने बीच में ही बैठक छोड़ दी है। हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, अब आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी एंड अदर पार्टी, आगे ले रहे हैं हाउ यू पार्टी विल रन। व्हेन यू आर इन पावर यू हैव टू टेक केयर फॉर ऑल। वो मौना छे। मैंने जो बोलना एक ने बोला है उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर दूँ। आप छोड़ कर आ रहे हैं दीदी, आप देखिए वॉकआउट हो रहा है। मैं बोलने चाहते थे दादा, वो मौना छे बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, उन लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं एक ही लाया, लेकिन तब भी लोगों को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट। अरे दीदी नीचे, दीदी आप देखिए बैरियर सर्टिफिकेट का मामला है। है वो ये कह रही है कि बोलने नहीं दिया गया, अपना पक्ष रखने नहीं दिया गया, इसीलिए बैठक को छोड़ दिया है। वो कह रही है उनके पहले जिन लोगों को भी मौका दिया, उन्हें किसी को 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा टाइम दिया गया, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। और विपक्ष में इकलौती एक तरह से वो कह रही है कि मैं यहां पर पहुंची थी लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया, इसलिए बैठक को छोड़ करके निकली है। ममता बनर्जी जो इस वक्त ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि अपनी अपनी बातों को सब रख रहे थे लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, इसीलिए उतना मौका नहीं मिला शायद जितना ममता बनर्जी चाह रही थी, और इसलिए बैठक को छोड़ करके इस वक्त निकल चुकी है ममता बनर्जी, जो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है, बैठक को क्या छोड़ करके निकलना एक समाधान होता है? क्योंकि हमने कई बार ही रवैया देखा है पुनीता, जब बीच बैठकों में ही ममता बनर्जी जब उनकी बात एक तरह से उनको लगता है मेरी मन की बात नहीं हो रही तो बैठक छोड़ देती है। बिल्कुल, देखिए पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि जब जब अगर वो किसी बैठक में शामिल होती हैं, अगर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है या फिर वो अपनी बात नहीं रख पाती हैं तो इस तरीके से वो बैठक से बाहर हो जाती है। एक बार फिर से देखिए, नीति आयोग की बैठक हो रही है और इस बीच ये जानकारी सामने आई कि ममता बनर्जी जिन्होंने बैठक ही छोड़ दी है बीच में, हालांकि उनका बयान भी सामने आया और ये कहते हुए नजर आई कि मौका नहीं दिया गया, बात रखने का मौका नहीं दिया गया और इसी वजह से वो बैठक जो है छोड़कर बाहर आ चुकी है। हालांकि देखिए ममता माइक बंद कर दीचन दीदी ऑपोजिशन की तरफ से आप अकेले शामिल हुए थे, क्या बोला गया? दीदी आपको लगता है मैंने बोल दिया जो बोलना था बोल दिया? पीएम मोदी जानबूझकर बंगाल का इंसल्ट कर रहे हैं। दीदी इधर इधर दीदी।
पक्ष नहीं रखने दिया गया, विपक्ष की तरफ से अकेले आई थी। ममता बनर्जी वहां पर पहुंची जरूर थी लेकिन बैठक को बीच में ही छोड़कर चलती बनी। दीपेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपेश, कैसे देखा जाए? वो कह रहे हैं मैं विपक्ष की तरफ से अकेली गई थी, भेदभाव किया गया, मुझे मेरी बात रखने का मौका नहीं मिला और बीच में ही बैठक को छोड़कर चलती बनी। देखिए गायत्री, सारी बातों को रखते हुए लास्ट में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी एक विक्टिम कार्ड खेलती हुई नजर आई और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि विपक्ष की तरफ से मैं अकेली थी लेकिन उसके बाद भी मुझे अपनी बात नहीं रखने दी गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब इस नीति आयोग की बैठक को बीच में से छोड़कर बाहर निकली तो उन्होंने इस बात के आरोप लगाए कि मुझसे पहले भी 5 अलग अलग मुख्यमंत्रियों को बोलने का वक्त दिया गया, किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट, किसी ने 20 मिनट कहा। उसमें उन्होंने कई मुख्यमंत्रियों के नाम लिए, कई स्टेट का जिक्र किया लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे जब बोलने दिया गया तो सिर्फ 5 मिनट के बाद मुझे रोक गया, मुझे अपनी बात नहीं रखने दी गई और यह कहीं ना कहीं सभी रीजनल पार्टियों का अपमान है। यह कहती हूं कि ममता बनर्जी नजर आई। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उन्हें बोलने का वक्त नहीं दिया गया और उनके साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो अकेली इकलौती विपक्ष की तरफ से यहां पर पहुंची थी लेकिन उसके बाद भी विपक्ष को बात रखने का मौका यहां पर नहीं दिया गया। कुछ इस तरह की बात यहां पर ममता बनर्जी करती हुई नजर आई हैं और वे अब यहां से बाहर निकल चुकी हैं। हालांकि इस बात के कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी का यहां पर पहुंचना, चूंकि बायकॉट जो है इंडी गठबंधन पहले ही कर चुका है और इंडी गठबंधन के बायकॉट करने के बाद ममता बनर्जी अगर यहां पर पहुंच रही हैं तो फिर उसके पीछे एक बड़ी रणनीति होगी। ममता बनर्जी अपने कई मसलों को लेकर बातचीत करने वाली थी। इस बैठक से बाहर निकलने के बाद उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि बजट में जिस तरह से भेदभाव हुआ है, आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी कहती हुई नजर आई हैं कि बजट में जिस तरह से भेदभाव हुआ है। ठीक है दीपेश, दीपेश आपके पास लौटेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीति आयोग से ममता बनर्जी बैठक बीच में ही छोड़कर चली गई। हालांकि वो विपक्ष के फैसले को दरकिनार कर जब पहुंची थी तब सवाल खड़ा हुआ था कि क्या इंडी गठबंधन में फूट है, लेकिन ममता बनर्जी वहां पहुंची जरूर, बीच में छोड़कर ही भेदभाव का आरोप लगा के चली गई। लेकिन इस बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में लगातार मंत्री फिरहाद हाकिम के बयान को लेकर सियासत जारी है। मंत्री फिरहाद हाकिम की तरफ से जो बयान दिया गया था, उस विवादित बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें, अब बीजेपी लगातार यह मांग कर रही है कि मंत्री फिरहाद हाकिम का ममता बनर्जी आखिरकार इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है। इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस्लाम दावत इस्लाम, आप ममता बनर्जी से शुरू कीजिए ये धर्मांतरण। इतना बोलने के बाद भी उनका कोई पनिशमेंट नहीं, उनको तो बर्खास्त करना चाहिए था। पश्चिम बंगाल में क्या ममता के मंत्री अब धर्मांतरण करवाएंगे? क्या दीदी के मंत्री कर रहे हैं नफरत की राजनीति? क्या जो मुसलमान नहीं है वो बदकिस्मत है? ये वो सवाल है जिसे लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। विधानसभा के बाहर गीता के साथ प्रदर्शन किया और ममता पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। ये है कोलकाता के मेयर और पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम, जिनके एक बयान ने पूरे पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल मचा दिया है। वो अपने भाषण में धर्म परिवर्तन को हवा दे रहे हैं। बड़ों को अन्याय ना करी ताले इस्लाम ने जन्मानो माने जन्नत पहुंचे किंतु ज्यादा सही अल्लाह सही रहमत ज्यादा दें नहीं तारा यदि तेलावत कुरान शरीफ माने